ज्याने 49 धावांची तुफानी खेळी केली, 18 धावांची आणि जे विजय साकार केला, शांताबाई लडकू प्रतिष्ठान वडवली बी त्यामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला। ऋतिक आपण आमच्या व्हीआयपी कक्षामध्ये यायचंय, ऋतिक आपण आमच्या व्हीआयपी कक्षामध्ये यायचंय। यस, जाट समाज आमचे मान्यवर आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाणार आहे। सर्वप्रथम आम्ही ऋतिक आपण यायचंय, सर्वप्रथम ट्रॉफी दिली जाईल, ट्रॉफी प्रथम दिली असेल कारण ती वराल दिवस स्पोर्ट ताडाली। सर्वप्रथम ट्रॉफी, सर्वप्रथम ट्रॉफी जी आम्हाला स्पॉन्सर केले वराल दिवस स्पोर्ट ताडाली संघाने, आयोजन समिती आहे। त्यानंतर 70-70 चे अगदी ओनर प्रोपरेटर तारिकजी सय्यद यांनी स्पॉन्सर केलेली कॅप 70-70 कॅप, यस। आणि त्यानंतर स्वर्गीय पूजा भानुदत्त चौधरी यांच्या स्मरणार्थ बॉम्बे कॉटन ब्लँकेट आणि हे स्पॉन्सर अर्थातच केलेलं आहे या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा सन्माननीय निलेशदादा चौधरी साहेब, बॉम्बे यांनी स्पॉन्सर केलेला बॉम्बे कॉटन ब्लँकेट। सुरेशजी गागळ उद्योगपती आहेत, रामदेवजी हे सुद्धा जाट समाज भिवंडीचे उद्योगपती, ऋतिक एक छोटस ओपिनियन नक्कीच घेतलं जाईल। हे जे ना स्पेशल गिफ्ट आहे ऋतिक, हे जे हातात आहे ना स्पेशल गिफ्ट आहे हे जे आहे, कारण हे कैलासवाची पूजा भानुदास चौधरी यांना श्रद्धांजली या माध्यमातून आहे। सो वेल प्लेट ऋतिक, ओपिनियन जास्त घेत नाही ऋतिक, सुरुवात खूप चांगली केली होती, 49-49 धावा 18 चेंडूमध्ये पटकावल्या, पण जेव्हा तुम्ही क्षेत्ररक्षण करीत असताना 2 षटकामध्ये 33 धावा आणि खास करून कमलेश्वर आक्रमण, थोडासा मानसिक दबाव आला असेल? हा नक्कीच, आमच्या टीममधला चांग मेन गोलंदाज कमलेशच आहे आणि त्याच्यावर मार पाडला होता। या ग्राउंडला रन्स काय होऊ शकतो, चेस होऊ पण शकतात आणि नाही होऊ शकतात, पण कमलेशवर अटॅक झाला पण त्यानंतर कमलेशने कमबॅक करून दिलं आणि बाकीचं काम मात्र शुभमने केलं, कसं वाटतंय? खूप छान वाटलंय, कमलेशने कमबॅक केलं त्याच्यामुळे अजून शुभमला होप्स वाढले शुभमचे बॉलिंग टाकायला, आणि खूप चांगली टुर्नामेंट आहे, या टुर्नामेंटमध्ये जिंकलो खूप बरं वाटतं। तर मित्रांनो, होता ऋतिक पाटील ज्याने 49 धावांची तुफानी खेळी केली 18 चेंडूमध्ये आणि जो विजय साकार केला त्यामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला। सो ऋतिक वेल प्लेड अँड बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट मॅच। धन्यवाद डॉक्टर गवली सर। दोस्तों लौट चलते धर्मराजा चषक की रजनी क्रिकेट की अद्भुत दुनिया में। 70-70 के बॉल से ये मैच खेला जा रहा है। यस सर, थैंक्स भद्रेश भाई या ठिकाणी, कपिल जी अँकर जे ग्रुप ग्रामपंचायतचे विद्यमान सदस्य आहेत पिंपळनेर ठाकराचा पाडा, त्यांच्या शुभ हस्ते भद्रेश भाई यांचं स्वागत आणि सन्मान केलं जाईल। कपिल जी अँकर यांच्या शुभ हस्ते स्वागत आणि सन्मान त्यांना बुके, त्याचबरोबर खास करून या स्पर्धेचा एक भगवद्गीता एका धार्मिक ग्रंथ आहे। खेल की शुरुआत होने जा रही है, आप देख रहे हैं ग्रामीण क्रिकेट का राजा धर्मराजा चषक। ये देखिए 70-70 का ड्रोन कैम एक्शन में आ चुका है, बहुत ही खूबसूरत नजारा। त्यानंतर दीपक भाई हे सुद्धा मान्यवर कक्षामध्ये आहेत, त्यांचंही स्वागत आणि सन्मान करण्यात येईल। कपिलजी आपण आपल्या शुभास्ते यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे।
कपिल जी अंकर जे विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य हैं पिंपलने ठाकरा सा पड़ा त्यांच्या शुभ हस्ते दीपक भाई यांचं स्वागत आणि सन्मान केला जाते। मैच बहुत ही जबरदस्त, टॉस को जीता इस वक्त टीम कैलाश बजागे स्मृति गोरसई भी ने और जॉली स्पोर्ट कामतकर को बल्लेबाजी की दावत दी। ये कुछ यादगार फोटोज हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए पहली गेंद भावेश पवार कट किया है बहुत, लेकिन सीधी गेंद बिट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। मोहिल मात्रे कामतकर एक्सप्रेस और उनके साथ निहार मात्रे, ये रिकॉग्नाइज पेयर है, कल गजब का परफॉर्मेंस रहा था लेट कबीर निर्मल ट्रॉफी में। भावेश पवार लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद चली गई ऑफ साइड में। पूना बुल्डाना शॉट, एक रन से खाता खुला वहां पर मोहिल मात्रे का। भावेश पवार सबसे कम पीरियड में अपना ओवर करते हैं, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रविंद्र जडेजा और शाहिद अफरीदी करते हैं। अपने स्टेप में चुके डेड बॉल, सामना करेंगे निहार मात्रे। ये खिलाड़ी हालांकि थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है लेकिन इसके पास एक से बढ़कर एक शॉट है। भावेश पवार निहार को बॉडी से करीब, गेंद को केवल निकाल दिया है गैप में चार रनों के लिए। नजाकत ज्यादा और ताकत कम, मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट, बहुत खूबसूरत शॉट। केवल दिशा दी थी गेंद को चार रनों के लिए। इस चौके की मदद से निहार मात्रे अपना खाता खोलते हुए कुल स्कोर 5 रन। देखिए इस मरतबा आम गेंद थी लेकिन स्टंप के बाहर वाइट, ये देखिए साइड आम गेंद की थी क्रीज के कोने से। थैंक्स सिद्धी जवाबी या ठिकाणी वडिवली बी संघाला मॅच जिंकल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन व पुढील वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा। यतीन रविकांत मात्रे कालवार याचकडून आपलं हार्दिक स्वागत। अपील होती भी और यहां पर निहार मात्रे आउट LBW। भावेश पवार की कदम आपलं हार्दिक स्वागत। कमाल का व्यू दिखाया जा रहा है ड्रोन कैम से, मानो 70-70 के कैमरामैन मानो हेलीकॉप्टर में बैठे हो। ये सारा क्रेडिट जाता है मिस्टर 70-70 तारिफ सैयद और उनकी पूरी टीम को। 70-70 के बॉल ने दुनिया में धूम मचा रखी है। ये देखिए कामतगर हाईवे सभी कुछ दिखाया जा रहा है और ऊंचा होता हुआ ड्रोन कैम। लेट परशुराम पाटिल स्मूर्ति जॉली स्पोर्ट कामतगर बल्लेबाजी कर रही है। भावेश पवार इस मरतबा स्विंगिंग यॉर्कर थी, छोटी बैकलिप से टर्न करना चाहते थे लेग बाय। नए बैट्समैन भिवंडी के रिकी पॉइंटिंग मोती, ये देखिए फिर साइड आर्म गेंद, फिर स्विंगिंग यॉर्कर, ये भावेश पवार है। कमेंटेटर सेलार अपन थोड़ा VIP कक्षा मध्ये यायचे आहे। भावेश के गेंद स्विच हिट किया है, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, चार रन। वैसे भी मोहिल मात्रे बहुत अच्छे टच में इस सीजन में। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ लेट परशुराम पाटिल स्मृति
जॉली कामतगर का 11 रन 1 विकेट। मिला जुला ओवर, दो चौके भी आए भावेश पवार के खिलाफ। ये आप देख सकते हैं नीलेश दादा चौधरी साहब के किए हुए कामों के यादगार फोटोज। ये देखिए, मेरे ख्याल से जब कोरोना का पीरियड था, जब काफ़ी एक्टिव रहे थे, सफाई से लेकर तमाम गरीबों को खाना पहुंचाने तक, ये उनके तमाम फोटो सेशन है यादगार। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कार्य सम्राट नगर सेवक। लेट परशुराम पाटिल स्मृति 44 फुट कामतगर इस वक्त बल्लेबाजी करिए। ड्रोन कैम और ऊंचाइयों पे जाता हुआ तारिफ सैयद, स्पोर्ट्स दुनिया का बड़ा नाम। पवन के ने इस मरतबा आड़े बल्ले से गेंद को लॉफ्टेड ड्राइव किया आउटफील्ड में। मोती ने एक रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट। हालांकि इस सीजन में गुरसई बी के लिए चुनौतियां काफी भारी है। इस मरतबा जगह बनाई थी, गेंद को जरूर खेला है लेकिन लॉन्ग ऑफ पे खेले, एक रन आता हुआ स्कोर लेट परशुराम पाटिल स्मृति जॉली कामतगर का। आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 13 रन 1 विकेट। गेंदबाजी कर रहे पवन केने, इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके लॉफ्टेड ड्राइव खेला है, पीछे खिलाड़ी है भावेश पवार, स्ट्रॉन्ग आर्म रिटर्न, सिर्फ एक रन। रन जरूर आ रहे हैं लेकिन सिंगल्स के रूप में, 14 रन 1 विकेट। मोहिन मात्रे बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में, सुई जीट की कोशिश, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा, बैट्समैन की हलचल को, क्योंकि ये है A1 पवन। ये देखिए, जब देखा सुई जीट कर रहे हैं, ओ माय गॉड, बाल बाल बच गए वहां पे मोहिल मात्रे। इनसाइड आउट, कमाल का शॉट है, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन, गजब का। Firmly lofted drive, one bounce cross the extra cover with the spin, great shot. इस मरतबा खराब चुनाव था वहां पर। ओवर समाप्त होते हुए दो, कुल स्कोर है 18, विकेट गिरा है एक। रजनी क्रिकेट में आप देख रहे हैं ग्रामीण क्रिकेट का राजा धर्मराजा चषक। स्वागत है आप सभी का। दो ओवर की समाप्ति पे 18 बने। देखिए इस तरह के विकेट पे जहाँ पिछले दो मैच चेस नहीं हुए, पहला मैच अजय पाटिल एंड कंपनी ने चेस किया लेकिन पिछले दो मैच एकाएक फंस गए। हालांकि तुषार छिलके ने कमाल की बल्लेबाजी की थी लेकिन पीछे के बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर पाए। बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो वे, क्योंकि ये है धर्मराजा चषक ताडाली। भावेश पवार फिर अंदर आती हुई गेंद, बहुत खूबसूरत ड्राइव, हल्के हाथों से एक रन। भावेश पवार की यह खासियत है कि एक ही एक्शन में गेंदों को अंदर भी लाते हैं और बाहर भी निकालते हैं। उनकी कटर्स बहुत ही खतरनाक रहती है। भावेश पवार इस मरतबा लॉन्ग वे शफल खेला, फिर बिट किया। देखिए जेपी जय पवार ग्राउंड में, और मैं अक्सर कहता हूँ क्रिकेट में भावेश पवार, अंपायरिंग में जय पवार, कमेंट्री में सुनील पवार और फिल्मों में ललिता पवार, हिट भी हैं और नचाते भी रहते हैं। भावेश पवार लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स,
फील्ड होंगे शफल, इस मरतबा अंपायर अजीम अहमदुल्ले वाइट देते हुए। फिर साइड आर्म गेंद की थी, बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन भी है उनका। बोल्ड अराउंड लेग्स, जड़ में गेंद और स्टंप को थोड़ा और बोल्ड हो गए। बीस रन दो विकेटों के नुकसान पे। देखिए भावेश पवार को आप आड़ा टेढ़ा तो नहीं खेल सकते हैं। ये वो खिलाड़ी है जो बल्लेबाज को रीड करता है। भावेश पवार लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, बोल परफेक्ट यॉर्कर, डंडा गया सैर करने। मेरे ख्याल से धर्मराज की सबसे अच्छी गेंद, आइए देखते हैं। बल्ला भी नीचे नहीं किया, परफेक्ट यॉर्कर। बल्लेबाज रोमित चौधरी बल्ले को नीचा भी नहीं कर पाए। तीसरा झटका लगता हुआ और भावेश पवार ने अब तक तीनों विकेट चटकाए हैं। ऐसे ही कोई प्राइड ऑफ महाराष्ट्र नहीं बनता है, ऐसे ही कोई हरफन मोहला खिलाड़ी नहीं बनता है, और ऐसे ही कोई ड्रॉप सीन का हीरो नहीं बनता है। बहुत मेहनत की है इस खिलाड़ी ने इस मकाम तक जाने के लिए। हैट्रिक गेंद, नए बैट्समैन यश पाटिल। इस मरतबा बहुत खूबसूरत कलाइयों का उपयोग, टर्न कर दिया ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग पर, वहां पे मौजूद थे किशोर मुकादम। ये भावेश पवार की अदा है, मुस्कुराते हुए देखा यश को। देखिए ये नोक झोंक क्रिकेट का हिस्सा है, ये नोक झोंक से ही क्रिकेट और खूबसूरत बनता है। 21 रन 3 विकेट। भावेश पवार लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, मोती को छोटी बैकलिप से टर्न करते हुए ऑन साइड में कारपेट के जरिए एक रन। ओवर समाप्त होते हुए तीन कुल स्कोर है, 22 रन लेट परशुराम पाटिल स्मृति जॉली कामतगर का, जबकि सामने टीम है कैलाश बजा के स्मृति गोरसई भी। अगली दो टीमों को टॉस के लिए आना है। श्री गणेश बड़ोडी के कैप्टन और शांताबाई लड़कू प्रतिष्ठान वडावली बी के कैप्टन, दोनों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। तीन ओवर की समाप्ति, रन बने 22। अगर जॉली कामतगर को चुनौतियां देना है तो 50 के ऊपर तो जाना ही होगा, क्योंकि सामने एवन पवन है, सामने भावेश पवार हैं, सामने एक ऐसा खिलाड़ी है किशोर मुकादम। दूसरे खिलाड़ी 10 परफॉर्मेंस करते तो एक में नाम होता है, और एक खिलाड़ी एक बार परफॉर्म करता है 10 बार नाम होता है। 5,84,189 पे काटा पहुंच चुका है सब्सक्राइबर का। क्रीज में पीछे जाके मोड़ दिया, एक रन। 70-70 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूले। फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे गेंदबाजी में साइड आर्म गेंदबाज भिवंडी के लसित मलिंगा कपिल के ने। इस मरतबा गेंद को लॉफ कर दिया है, क्या पहुंच पाएंगे खिलाड़ी? बहुत बढ़िया कोशिश, लगभग लॉन्ग ऑफ से आए थे लेकिन नहीं पहुंचे। इस बीच बल्लेबाजों ने दो रन ले डाले, दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन पे पहुंचा है लेट परशुराम पाटिल स्मूर्ति जॉली कामतगढ़ का। ये देखिए यश खेलना चाहते थे ऑन साइड पे, गेंद चली गई ऑफ साइड पे, जाना चाहते थे साउथ में, पहुंच गए नॉर्थ में। बहुत बढ़िया कोशिश, ये एफर्ट है भावेश पवार का, लगभग लगभग 40 गज का फासला तय किया था। इस मरतबा घूम के मारा है, क्या गेंद मैदान के बाहर, यस बिंगड़ी शॉट 6 रन। वह पूछा है इस वक्त 31 पे, यश अब अपने बाजुओं को खोल रहे हैं। इस मरतबा हल्के हाथों से चिप करते हुए गेंद को आउटफील्ड में एक रन बना, दूसरे की कॉल है, तेज रन लेने की कोशिश और 2 रन पूरे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, हाथ से गेंद छूट गई थी, कप्तान मेघनाथ के ने थे। दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33। सिर्फ यश पाटिल लोहा ले रहे हैं। फिर अच्छी गेंद, सफाई से तो नहीं खेला, गेंद गैप में ट्रैवल हुई, 1 रन आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन 34। हालांकि अभी तक जिस तरह की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं उस तरह की गेंदबाजी नहीं किए। 7,500 लोग यूट्यूब पर, खींच के मारने की कोशिश, लेंथ को, हालांकि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद नहीं थी, हार्ड लेंथ गेंद थी, बीट किया वहां पे मोती को। ओवर समाप्त होते हुए 4, कुल स्कोर है 34, विकेटें गिरी है 3। देखना है कि डेथ ओवर में कितने रन। अजय पाटिल आ चुके हैं, श्री गणेश भड़ोडी के कैप्टन, हिटमैन ऑफ भड़ोडी। अब शांताबाई लटकू प्रतिष्ठान वडौली बी के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। 70-70 स्पोर्ट्स, 70-70 की जो अद्भुत दुनिया है उसका सारा क्रेडिट जाता है तारिफ सैयद और उनके तमाम साथियों को, जहाँ पे आपको 70-70 की एक ऐसी गेंद है जिसमें गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के लिए बराबर चांसेस है। उस गेंद को आप गौर से देखिए, उस गेंद में हार्डनेस भी अच्छा है, उछाल भी अच्छा है और गेंद बिल्कुल स्पोर्ट्समैनशिप के लिए बनाई गई, इसलिए 70-70 गेंद के चर्चे इस वक्त सब जगह हैं। 70-70 टेलीकास्ट, 70-70 ड्रेसेस, 70-70 बैग लॉन्च होने जा रही है और 70-70 बैट्स। ये सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि बाहर कंट्रीज में भी आप उन खिलाड़ियों को देखेंगे जो बाहर के कंट्रीज में क्रिकेट खेलते हैं 70-70 के पोशाकों में। ये देखिए 70-70 बॉल, बेहतरीन मैन्युफैक्चर, बेहतरीन बनावट। सबसे बड़ा इसको जो जहां पर आप देख सकते हैं सफाई कितनी है। खेल की शुरुआत सूरज के ने, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत शॉट हवा में,
लेकिन कोशिश रहेगा, कैच छूटा सपना टूटा। पीछे खिलाड़ी मेरे ख्याल से मेघराज केने थे, ये भी आने वाले दिनों में गोरसई का ताज बन सकते हैं मेघराज। हालांकि दूर से खेला था ऑन द राइस, सीधा फील्डर के हाथ में गया था, दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। सूरज केने स्मर्तबा क्रीज में पीछे जाके खेला हुआ स्ट्रोक है, सेफ लैंडिंग है। भावेश पवार का थ्रो पहुंचा है, ये थ्रो कभी भी कातिलाना ही बनता है और बैट्समैन आउट हो गए क्योंकि कितना स्ट्रॉन्ग आर्म रिटर्न था। बेस उड़ा दिए। सूरज केने भी एक ऐसा सितारा है गोरसई बी का, कभी ओपनिंग बॉलिंग करते हैं कभी डेथ ओवर करते हैं, लेकिन इस सीजन में सबसे ज़्यादा फॉर्म में गोरसई बी के लिए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आते हुए परशुराम पाटिल, स्मृति जॉली कामतगढ़ की तरफ से प्रतीक चौधरी, नरेश मात्रे जिन्हें प्यार से जॉली नाना भी कहा जाता है, यूट्यूब पे मैच का मज़ा ले रहे हैं, टेलीविजन सेट पे आपका भी हार्दिक स्वागत है। क्रिकेट के बहुत बड़े दिलदा सूरज क्रीज में पीछे जाके मोड़ा है, एक रन बना है, दूसरे के लिए निकल रहे हैं, फिर थ्रो और ये थ्रो है भावेश पवार का, यस एक और रन आउट, मोती रन आउट हुए हैं। रखी होंगी कामत करने, ये गोरसई बी अजीब टीम है, ये जब भी खेलती है तो मानो स्विल कर्फ्यू लग जाता है। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव ऑफ वॉली पे लेकर लॉन्ग ऑफ पे थोड़ा फंबल और जहां एक रन था वहां दो रन बने, कपिल केने थे पीछे, इन दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन 5 विकेट, 40 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। मुकाबला चल रहा है कैलाश बजा की स्मृति गोरसई बी और परशुराम पाटिल स्मृति जॉली। ओ बीमार, हालांकि बहुत ज्यादा जोर से मारने की कोशिश की थी प्रतीक ने, बीमार गेंद है ये, देखिए बहुत जोर से मारना चाहता वहां पे, थोड़ी नजरें भी हट गई थी उनकी और जहां स्टिकर लगा होता है बल्ले पर वहां जाके गेंद लगी थी। स्कोर है 42 रन। इस ओवर में अभी भी दो गेंदे आना बाकी है, नैनेश्वर बता रहे हैं। इस मरतबा नुकसान तो नहीं होगा, फ्री हिट है, लेकिन बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद लगभग सीने के करीब चढ़ गई थी। देखिए आप तेज गेंदबाज हैं तो आपके पास यॉर्कर का स्टॉक होना चाहिए, शॉर्ट पिच गेंदें होना चाहिए, क्योंकि तेज गेंदबाज की शॉर्ट पिच गेंद इतनी आसान भी नहीं रहती है जब गेंद टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ आए। 43 रन आखिरी कॉल है वडावली भी, लास्ट ऑफिशियल कॉल अथवा आपको पेनलाइज किया जाएगा। इस मरतबा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना,
खेलना चाहते थे मिड विकेट पे, गेंद लॉन्ग ऑफ पे गई, बल्ला तेज घुमाया था इसलिए गेंद जल्दी ट्रेवल कर गई, दो रन आते हुए कुल मिलाकर रन बनाए परशुराम पाटिल स्मृति जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ ने 45-46 की चुनौती रखी है। कैलाश बजा की स्मृति गोरसई बी के पास। चलते अगले टॉस की तरफ, लास्ट ऑफिशियल कॉल है शांताबाई लड़कू प्रतिष्ठान वडौली बी के कैप्टन, अथवा आपको पेनालाइज किया जाएगा क्योंकि श्री गणेश बड़ोडी के कैप्टन वहां पे मौजूद हैं। और हम आपको लिए चलते हैं टॉस बॉक्स में, जहां पर पब्लिक फिगर कहे जाने वाले डॉक्टर गवली सर हैं और सब्सक्राइबर की तादाद दिन ब दिन बढ़ती हुई यहां पर 70-70 के 5,84,236। आप सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, वो दिन दूर नहीं कि आते महीने में ये तादाद 10,00,000 हो। इट्स ओवर टू यू डॉक्टर गवली सर। कॉइनची माहिती आहे, कारण एक बाजू धर्मराजाचा षटक 2023 त्यामुळे ती कॉइनची एक बाजू आहे, अर्थातच धर्मराजा आणि संस्थापक सन्माननीय निलेश दादा चौधरी साहेब, म्हणून धर्मराजाचा षटक 2023। आणि दुसरी बाजू आयोजन कमिटी जी आहे वराल देवी स्पोर्ट ताराळी, दोन्ही पैकी एकाचं नाम निर्देशन आपण करायचं आहे। 5 षटकांची मॅच असणार आहे। आमच्या मान्यवर मयूरजी चौधरी यांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल। कॉलिंग वडाली बी संघाचे ऋतिक, यस, त्यांचं म्हणणं आहे धर्मराजा। टॉस ही त्यांनी जिंकलेला आहे। यस मयूरजी, आपलं सुद्धा विशेष मी आभार व्यक्त, टॉस साठी आपण आलात, आपला पण खूप खूप आभार टॉस साठी आपण आलात। थँक्यू। नाणेफेक आपण जिंकलेली आहे। पहिली मॅच थोडीशी संमिश्र स्वरूपाची झाली, पण ऋतिकने जबरदस्त विस्फोटक फलंदाजी केली आणि त्या बळावर संघाचा विजय साकार झाला। या महत्वपूर्ण मॅच मध्ये निर्णय काय असणार आहे? क्षेत्ररक्षण करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे, या पाठीमागे काय उद्देश आहे? आम्ही गोलंदाजी आमची चांगली झाली, त्याच्यामुळे आम्ही कमीत कमी धावांचा रोखण्याचा प्रयत्न करू। साधारण किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असणार आहे, आणि या वेळेला काय गोलंदाजी क्रम मध्ये काही बदल होईल? नाही, गोलंदाज सेम असते, संघ तोच राहील की काय बदल करण्यात येईल? नाही, सेम संघ आहे। ऑल द बेस्ट, तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा। अजय, पहिला सामना खूप चांगला जिंकलेला आहे, सूर गवसलेला प्रमुख, खास करून तू सहज खूप गोलंदाजी केली, फलंदाजी केली, पण या वेळेला मात्र टॉस हरल्यानंतर बॅटिंग करायचे, समोरचा संघ सुद्धा कल्याण डोंबिवलीचा एक मातबर संघ आहे, किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करणार आहात? 5 षटकांमध्ये आम्ही कमीत कमी 50-55 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू। अजय व्यतिरिक्त अजून कुणाकडनं खूप अपेक्षा असणार आहे जे फलंदाजी मध्ये फार मोठे योगदान देतील? ज्याला पण चान्स भेटेल त्याने 100% द्यावा एवढीच इच्छा। मग या वेळेला मात्र वडवली बी आणि श्रीगणे बरोडी दोघांमध्ये नक्कीच एक संघर्ष, बॅट आणि बॉलचा संघर्ष प्रेक्षकांना बघायला मिळेल। हो, नक्कीच। ऑल द बेस्ट संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा। मित्रांनो, यानंतर जी मॅच होणार आहे दुसऱ्या फेरीतील पहिली मॅच, आणि टॉस जिंकून वडवली बी संघ कॅप्टनने क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि श्रीगणे बरोडी संघाला बॅटिंग करण्यासाठी आमंत्रित केलेलं आहे। जवळ पण कॉम बॉक्स मध्ये, कारण एक महत्वपूर्ण मॅच सुरू आहे, कारण खूपच सबस्क्रायबर आमच्याशी जोडले गेलेले आहेत आणि आवाज पाहत आहेत ते म्हणजे समालोचक, माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे
सिद्दीकजी भाभी यांची ओवर टू कॉम बॉक्स. धन्यवाद डॉक्टर गवरी सर. डॉक्टर शुरुआत करते हुए ये तो बड़ी अजीब बात है, आपके पास एक ऐसा स्कोर है जो बहुत ज्यादा भी नहीं है और फिर कप्तानी लोगों से शुरुआत करे मानो गरीबी में आटा गीला कर रहा है. नहीं एब्सोल्युटली, तुम्ही जेव्हा लक्ष्य कमी ठेवतात अशा वेळेला तुमची गोलंदाजी ए दर्जाची होणं गरजेचं आहे आणि अवांतर धावा कुठेतरी थांबवणं गरजेचं आहे. अच्छा नाही आहे लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे नौमान के खिलाड़ी एक रन लाता हुआ बैक टू पे जाके पोस्ट करना चाहते थे सूरज के ने. ये देखो कितना परफेक्ट है माइक आई से मेरे को माइक भी नहीं देंगे तो कर दो रन दो दावा गए हैं इसकी आवाज ज्यादा है. सिंचाइस ये नौ से इतना पैटला कर रहा ना प्रीतेश धुमाल लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए संदेश देने के लिए टीम के कैप्टन. इस मर्दबा खींच के मारा है चाबुक शॉट है और गेंद सीधी दर्शकों में 6 रन. ये कमाल के खिलाड़ी है. वहां पर बिल्कुल गणेश वड़ा पाव का सेंटर लगा हुआ है जहां पे ये शॉट गया है. कामतगढ़ का मशहूर वड़ा पाव सेंटर है. जबरदस्त शॉट. इस मरतबा अच्छी वापसी. थोड़ा टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधी रही थी. ये देखिए अपर कट करना चाहते थे अतिरिक्त उछाल था बल्ला नीचे से चला गेंद ऊपर से गई. रितेश धुमाल ओ हो क्या शॉट है व्हाट अ स्ट्रोक. केवल स्वाप किया घुटने के बल झुककर 6 रन. गजब का स्ट्रोक पिकअप शॉट खेला था 6 रन. क्या बल्लेबाजी हो रही है. देखिए आरसीसी पेट को मैंने ही नाम दिया है रातों के कातिल. कमाल पड़ा और दानियों दिन के शिकारी. लेकिन ये जो टीम है ना गोसाई भी ये 24 घंटे की शिकारी है लेकिन आजकल शिकार हो भी रही है ये भी नहीं भूलना चाहिए. 14 रन बिना किसी विकेट के. टेम्बोली टीम मानो उनके पीछे पड़ गई है. रितेश
महंगे साबित होते हुए कुल मिलाकर 14 रन बिना किसी विकेट के, 14 विदाउट लॉस। यस, लेकिन लीग मैच में वो उनसे हार गई थी, लेकिन उससे पहले शिल्के बर्दस ट्रॉफी में मोरबार में बहुत जगह टेम्बोली उनके पीछे पड़ी हुई है। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव सीधा फील्डर के पास, मौका बना था लेकिन थ्रू सीधा पहले बाउंस पे आया, एक रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 15 रन बिना किसी विकेट के। ये देखिए 70-70 के जो सब्सक्राइबर हैं उनकी तादाद अब बहुत तेज बढ़ती हुई, आप भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूले। महंगा ओवर चलता हुआ कप्तान रितेश धुमाल का, 15 रन खर्च किए, सामना करेंगे सूरज के ने। इनसाइड आउट दिलकर शॉट नहीं, सीधा जो ट्रैप बिछाया था उसमें फंस गए, बढ़िया कैच नियार मात्रे का। अच्छा देखिए समय में कॉपरेट करें आपको 20 मिनट में, धन्यवाद नीलेश दादा चौधरी साहब ने एक काम हमारे लिए आसान किया है, कोई भी कमेंटेटर किसी की शुभेच्छा नहीं देगा, थैंक यू सो मच नीलेश दादा, कम से कम मैच पे फोकस तो रहेगा। एक ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर रन बने 15। गौरी सर क्या लगता है क्या गेम प्लान होना चाहिए, आपको एक विकेट मिला है, कोई भी टीम दुनिया में नाकाबिले तस्कीर नहीं, लेकिन ये देखे यहाँ शतरंज की बाजी उल्टी फिर गई है, कपिल केने को भेजा है पिंच हिटिंग के लिए, वन डाउन। कारण गोष्टी सांगायला आपण बघितले 11 पैकी 11 स्टार शेवटच्या स्थानापर्यंत फलंदाजी करणारे बॅटर आहे फलंदाज आहे। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी में धनराज सबसे यॉर्कर किंग, कल देर रात उनके जो यॉर्कर्स थे वो बल्लेबाजों के लिए बहुत कातिल साबित हुए, चाहे जाई की टीम रही हो चाहे कोई भी टीम रही हो, 6 विकेट ली थी कल देर रात यॉर्कर किंग, और इनसे बहुत उम्मीद है। धनराज गुल्ला पिल्ली कमाल के तेज गेंदबाज है, यॉर्कर किंग है। धनराज ऑनलाइन हमसे जुड़ते हुए मिस्टर आईपीएल, आईपीएल की मशहूर आवाज कुणाल दाते जी, आपका हार्दिक स्वागत। धनराज फिर यॉक कराने की कोशिश, लिफ्ट कर दिया गेंद को गैप में, गेंद दो खिलाड़ियों के बीच में से 4 रन। कमाल का शॉट, क्या कहेंगे गौली सर गैप को कि अलग अंदाज बगाड़े संदेश के ही ऐसा आक्रमण सुबाती पासन आक्रमक का बगाड़ बैठे आक्रमण के लिए अगर मतलब दोनों शक्ता नहीं तो कर देने लगा ले 17 धावनों के कमाल की बल्लेबाजी करते हैं
कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। दोन ओवरला 25 धावा जायच्या। इस मरतबा फिर वही शॉट स्लॉग कर दिया है फ्रंट फुट पे आकर 6 रन। क्या शॉट है, मूड बना दिया है। व्हाट अ प्लेयर इज कल देर रात धनराज का राज चला था, लेकिन धनराज के सामने क्या शॉट खेला है ये कप्तान संदेश केनी ने। संदेश केनी बहुत अच्छे टच में, बॉटम एंड का लाजवाब इस्तेमाल। ये देखिए जूमिंग करके बताया जा रहा है क्लोज कैमरे से, कमाल का शॉट। 6 रन से उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है 25 रन। अगले मैच का टॉस जीता है वडौली बी ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। आज की रात मैचेस हो के रहेंगे, दोनों बी टकरा सकते हैं। अच्छी गेंद आगे रखा था, बढ़िया ड्राइव आउटफील्ड में, 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 26 रन 1 विकेट, 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। मेरे साथ वॉइस ऑफ महाराष्ट्र 35 साल का कमेंट्री का जीता जागता सबूत और पहली आवाज इंटरनेट पे उन्हीं की गई थी 17 जनवरी 2011 में, सिल्वर जुबली मेयर कप लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सार का 17 जनवरी को आवाज गूंजी थी दुनिया में। इसमें तब बहुत खूबसूरत ड्राइव है, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, कोई मौका नहीं है, जाजी बिन नजर स्ट्रोक 4 रन। It picks on the half volley and firmly driven all on the ground for 4. और YouTube पे जो आवाज है मिस्टर IPL कुणाल दत्ते जी, जो 2012 में टेनिस क्रिकेट में एक छोटे से कस्बे से आए और IPL तक का सफर किया। अजय घरत भी इंजॉय कर रहे हैं, कल हमारे साथ रहेंगे सदाबहार कॉमेंटेटर धनराज। आज किसका भी राज नहीं चल रहा है, आज राज चल रहा है मैदान में तो ये दो बल्लेबाजों का। 1 रन आता हुआ स्कोर में। कल की गेंदबाजी और आज की गेंदबाजी में बहुत फर्क है। कल दो मैचेस में उन्होंने 11 विकेटें निकाली थी और यॉर्कर्स पे यॉर्कर किंग कहा था रात में मैंने उन्हें, 31 रन 1 विकेट। अब मंजिल सिर्फ 17 रन दूर है, 15 रन दूर है। धनराज जिनसे काफी उम्मीदें थी, ऑफिस टाइम के बाहर चॉप करने की कोशिश, वाइट बहुत दूर रखा था नीचे बैकलिप से, चॉप करना चाहता वहां पे। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 32 रन 1 विकेट, 32 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरा शतक के मार्गस्थ है, चांगले धावसंख्या के वाटचाल करताना आपण पाहतोय ओसे 20 संघाला। इस मर्तबा फुल टॉस गेंद है, पूरी तरह बल्ले पे नहीं, पीछे खिलाड़ी है यश पाटिल, जब तक के उनका थ्रो पहुंचता
एक रन स्कोर में और आता हुआ। ओवर समाप्त होते हुए दो, थोड़ा एक तरफा मुकाबला कर दिया है यहां पर टीम कैलाश बजा के स्मृति गोसाई बी ने। 18 गेंदों में केवल 13 रन चाहिए और किसकी होंगी जीत और किसकी होंगी हार। समय तीन ओवर के लिए कितना लिया आपने? दो ओवर के लिए 12 मिनट का समय लिया है। प्लीज आपको तुरंत ही फील्ड आ जाना है और अगली टीम को तैयार रहना है मैच के लिए। किसकी होंगी हार और किसकी होंगी जय जयकार, माइक को लीड करेंगे वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर। खूब खूब धन्यवाद। शानदार रिप्ले में देखिए, इससे लाजवाब हो ही नहीं सकता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखिए, बल्ले का स्विंग देखिए, गेंद बल्ले से टकरा रही है तो उस पर मोहर लगकर आ रही है 6 रनों की। 31 रनों के कपिलला माहिती आहे की फक्त एक धाव करायची आहे, थोडासा एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न अशा ठिकाणी होतो। आपण जी मॅच पाहते, स्वर्गीय परशुराम लाभचंद्र पाटील स्मृती कामतघर विरुद्ध कैलास बजाके स्मृती गोरसाई बी, आणि कैलास बजाके स्मृती गोरसाई बी हा संघ अगदी विजयाकडे वाटचाल करताना दिसतोय। याला मात्र पूर्ण कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाही आणि चेंडू जाईल डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावा। आणि ह्याचबरोबर कैलास बजाके स्मृती गोरसाई बी हा संघ विजय होतोय।
अभिनंदन कैलास भजाके स्मृति गोरसे बी एनी हार्ड लक स्वर्गीय परशुराम रामचंद्र पाटिल स्मृति कामतघर मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच अर्थात कैप्टन लीडिंग फ्रंट म्हटलं जातं ज्याने नाबाद 32 धावांची खेळी केली त्यामध्ये 4 षटकार लगावले।